फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आप एजुकेटिव क्लासेस में। मैं नेहा गुप्ता, आज से आप लोग का जो है फिफ्थ सेमेस्टर के डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क। हम जो है आप सभी को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज इसके सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि हम लोग को जो है इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये हमारा जो है सब्जेक्ट कोड है और इसमें आपको आप लोग जो है देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि आपका एक्सटर्नल कितना रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा आपका 70 मार्क्स का और इंटरनल में जो रहेगा हमारा टीए में 10 मार्क्स और क्लास टेस्ट में 20 मार्क्स। टोटल जो आपका 70 मार्क्स रहेगा और एक्सटर्नल एग्जाम में जो आपको कितना चाहिए पासिंग मार्क्स 28 और जो है आपका जो है इंटरनल और दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 14 मार्क्स चाहिए टोटल सब्जेक्ट्स में हम पास करने के लिए। ठीक है, आप लोग तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिए होंगे, आप लोग को पैटर्न पता ही होगा एग्जाम में पूछने का, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। तो सेम पैटर्न जो है हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, इस तरह से क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स के एक्सटर्नल और 30 मार्क्स के इंटरनल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सिलेबस में क्या क्या है, हम लोग को इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। देखिए, इसका जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है, पीसी कंपोनेंट्स एंड सिस्टम बोर्ड। पीसी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पीसी जो हमारा उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टम बोर्ड मींस मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उस सभी के बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है, यूनिट वन में। क्या हमारा पीसी कंपोनेंट्स एंड सिस्टम बोर्ड, पीसी कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, पीसी के कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से हैं, उसके बाद सिस्टम बोर्ड के बारे में हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। हार्डवेयर यूज फॉर इनपुट आउटपुट एंड इनसाइड कंप्यूटर केस। हम लोग हार्डवेयर जो यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, वो कौन सा हार्डवेयर को यूज करते हैं, सिस्टम बोर्ड कंपोनेंट। सिस्टम बोर्ड मीन्स मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या यूज करते हैं, डिवाइसेस मतलब बहुत सारे डिवाइसेस में जो हम कम्युनिकेट करवाते हैं वो किस तरह से करवाते हैं। और देखिए, सॉफ्टवेयर के थ्री टाइप्स कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग सुने होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सुनेंगे, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपके लिए नया वर्ड है। जो हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, वो सारा जो है आपका जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप पता कर सकते हैं कि किस सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम्स है और फिर उसके बाद उसे आप उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें देखिए रोम क्या होता है, ये क्या मेमोरी के टाइप्स है, रोम क्या होता है हमारा मदरबोर्ड में। उसके बाद बायोस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हमारा क्या होता है, हमारा जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है हमारा सिस्टम बूटअप प्रोसेस करता है। बूटअप प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो भी हार्डवेयर है, जो भी आउटपुट, जो भी डिवाइसेस है, उसको जो है क्या करता है, ये ऑन करता है ताकि अपना जो है सभी टास्क परफॉर्म करवा सके। ठीक है, तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी हमारा है, जैसे कि हो गया इसके थ्रू क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड माउसेस, ये सब क्या होता है हमारे इसके थ्रू ऑन होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग रेस्ट प्रोसेस में रहता है। इसमें क्या होता है आपका बायोस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये सारा जो रेस्ट में रहता है मोशंस में आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस सभी का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए ओएस आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या है। ओएस एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और सिस्टम के बीच में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फंक्शन ऑफ बायोस के फंक्शन कौन से होते हैं, बायोस जो हमारा होता है प्रोसेस उसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। द बूटअप बूट प्रोसेस क्या होता है, ये बायोस के अंदर आता है बूट प्रोसेस। और पोस्ट एंड इम्पोर्टेंट की कोड, ये पोस्ट क्या होता है, ये भी बूटिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, बायोस के अंदर आते हैं। इस सभी के बारे में हम लोग बायोस जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा इम्पोर्टेंट बीप्स कोड, ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे बायोस के प्रोसेस के टाइम में ही। ठीक है, बायोस को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। नो अबाउट डिफरेंट कनेक्टर्स, बहुत सारे जो डिफरेंट कनेक्टर्स हैं उन सभी कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम बोर्ड,
सिस्टम बोर्ड के जो टाइप्स हैं, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे यूनिट वन में। उसके बाद हमारा था सीपीयू एंड द चिप्स। सीपीयू क्या होता है और चिप्स क्या होता है। सीपीयू फॉर्म फैक्टर्स, सीपीयू स्लॉट सॉकेट, सीपीयू स्लॉट क्या होता है, सीपीयू सॉकेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम क्या होता है और बसेस क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, रैम्स के टाइप्स जो वो सब जानेंगे, और बसेस जो डिफरेंट टाइप्स के वो कौन कौन से बसेस होते हैं। जैसे कि हमारा है ISA बसेस क्या होता है, MCA, EISA, US, FireWire, AGP, PCI, setting the CPU and buses speed, CMOS setup and data protection। ये सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग CPU components and system board unit 1 में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा था unit 2 magnetic storage device। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्या, हमारा सेकेंडरी स्टोरिंग डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है, हमारा डाटा जो है डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है मेन मेमोरी से, ठीक है। क्या होता है इसमें, डायरेक्ट डाटा एक्सेस किया जाता है। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नो अबाउ सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरीज क्या होते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और सिस्टम बोर्ड में हमारा रैम रोम क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सिम्स का फुल फॉर्म आप लोग को, सिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा सिम्स सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, और ये डिम्स है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। ये सारा जो हमारा रैम्स का टाइप है, ये दोनों कैसे रैम में, रैम के अंदर आता है। अदर रैम टेक्नोलॉजीज जिसमें टेक्नोलॉजीज, रैम के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आईडी हम कैसे, क्या हो गया इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये हमारा हो गया इनहेंस इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सभी के बारे में देखेंगे हम लोग। SCSI हो गया हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस। साटा जो है, साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी असेसमेंट। हार्डवेयर ड्राइव पार्टीशन, ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर ड्राइव्स एंड डाटा रिकवरी, ऑप्टिमाइजिंग हार्डवेयर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क बैकअप। देखिए यहाँ पे आपका ट्रबल शूटिंग एक वर्ड सुनाई दिया, समझेंगे ट्रबल शूटिंग क्या होता है। ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपके सिस्टम में जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स आए हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कोई हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि मेनली जैसे हार्डवेयर का जो प्रॉब्लम्स होता है। देखिए ट्रबल शूटिंग क्या होता है, ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं, ठीक है, ट्रबल शूटिंग। और हार्ड ड्राइव्स क्या होता है, डाटा रिकवरी क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन हार्ड ड्राइव क्या होता है, इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 2। यूनिट 3 में देखिए हमारा है ट्रबल शूटिंग फंडामेंट्स। ट्रबल शूटिंग आपको अभी हम बताएं, ट्रबल शूटिंग क्या है, फाइंड करने का तरीका है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, इसको हम फाइंड करते हैं किसके थ्रू, ट्रबल शूटिंग के थ्रू, ठीक है। ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस जो है आपको किस किस से रिलेटेड होगा, ट्रबल शूटिंग मीन्स फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स फाइंड करते हो। प्रॉब्लम किस किस में हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर में हो सकता है, हार्डवेयर में हो सकता है, और क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर का प्रॉब्लम्स यह कि जैसे कि वो कनेक्ट नहीं हुआ सही से, वो सब क्या हमारा हार्डवेयर का पावर फेल्योर हो गया, जैसे कि पावर हम दे रहे हैं सिस्टम में और वो ऑन नहीं हो रहा है, तो वो सब क्या हमारा हार्डवेयर का प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसमें ट्रबल शूटिंग के थ्रू हम ये सारा प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, ये सारे हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर में, जैसे देखिए कोई भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड किए हैं, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट किए हैं, वो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, बार बार फेल्योर शो हो रहा है, तो ये कि हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया जो कि ट्रबल शूटिंग के थ्रू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जा रहा है बार बार, जैसे कि हमारा क्या होता है सिस्टम रीस्टार्ट होने लगता है, बार बार ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो ये सारा हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स को जो है हम ट्रबल शूटिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग मीन्स कि इसमें क्या करते हैं आप, मेनली फाइंड करते हैं प्रॉब्लम्स को, क्या आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें हमारा ट्रबल शूटिंग टूल्स जो हमारा है बूटेबल रेस्क्यू डिस्क।
बुटेवल रेस्क्यू डिस्क डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आप लोग जानते होंगे, आप लोग के सिस्टम में डायग्नोस्टिक करके वर्ड आता है। डायग्नोस्टिक मीन्स भी होता है फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं प्रॉब्लम्स को। वायरस डिटेक्शन, वायरस डिटेक्शन कर सकते हैं हम ट्रबल शूटिंग के थ्रू। कैसे करते हैं ये सारे हम सारा जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग का, जब यूनिट स्टार्ट होगा हम लोग उस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर वायरस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, एंटी स्टैटिक टूल्स, ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस, पावर सिस्टम्स, सिस्टम बोर्ड, ओएस हार्डवेयर ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर प्रॉब्लम्स। ये सारे हार्डवेयर हैं। इसके प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, सर्जरी प्रोटेक्शन एंड बैटरी बैकअप, स्टैंड बाय यूपीएस, इनलाइन यूपीएस, लाइन इंट्रैक्टिव यूपीएस एंड इंटेलिजेंट यूपीएस। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स के थ्रू। ट्रबल शूटिंग मीन्स फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स, और ये सारे प्रोसेस के थ्रू, ये सारे में हम कैसे प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 4 में अब हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लैन। ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्क में लैन कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग स्टेज, नीड ऑफ नेटवर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग, क्लास नेटवर्किंग के कितने टाइप्स होते हैं, लैंड मैन, इसके जो क्लासिफिकेशन है लैंड मैन वैन, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। लिस्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, OSI रेफरेंस, OI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, OI रेफरेंस मॉडल जो है ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चंस तो पक्का आने वाले हैं, तो इसे पढ़ना है आपको। TCP/IP रेफरेंस मॉडल क्या होता है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल क्या होता है, नोन अबाउट LAN केबल्स एंड कनेक्टर्स, LAN को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके केबल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, अडेप्टर क्या होता है, नो अबाउट कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारे जो है कनेक्टर्स हैं, इस सभी के बारे में, ये सारी सभी के थ्रू हम क्या करते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन, ये तीन टॉपिक्स है, ये आपके क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएगा ही, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड कनेक्टर्स, एक्सप्लेन लैंड डिवाइसेस क्या होता है, रिपीटर्स, हब, स्विच, नेटवर्क इंटरफेस, कार्ड्स, राउटर्स, मॉडर्स, ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होते हैं, इस सभी के बारे में हम लोग कब पढ़ने वाले, यूनिट 4 में हम लोग नेटवर्क से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 5, नेटवर्क एड्रेसिंग एंड मैनेजमेंट। नेटवर्क का एड्रेसिंग क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी मैसेज सेंड करने वाले हैं किसी नेटवर्क में, ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई भी मैसेज हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसी अदर नेटवर्क में, अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो हमारा सिस्टम हमारा नोट जो है सही डेस्टिनेशन पे जा रहा है, हम जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही एड्रेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो भी हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी फाइल्स को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू हम डाल रहे हैं, तो वो हमारा सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो हम लोग को नहीं पता रहता, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका एड्रेसिंग कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे पता करते हैं कि हमारा जो नोट्स है किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट 5 में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना है। देखिए हमारा नेटवर्क एड्रेसिंग एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क एड्रेसिंग, नेटवर्क को कैसे एड्रेसिंग करते हैं, मतलब नेटवर्क का कैसे एड्रेसिंग करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हम यूनिट 5 के अंदर जानने वाले हैं, यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेसिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, जो हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर, कोई भी सिस्टम का जो है अपना आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस होता है हमेशा डिफरेंट होता है, तो ये आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका एड्रेसिंग कैसे किया जाता है, ये सब भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे जब ये यूनिट आपका पढ़ाया जाएगा, तो ये सभी ये टॉपिक जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। आईपी एड्रेस का क्लासेस होता है, वो क्लासेस में
क्लासेस में डिवाइडेड रहते हैं तो उसके कौन कौन से क्लासेस होते हैं, ए बी सी डी, इसके जो क्लासेस होते हैं ये डिवाइडेड रहते हैं, उस क्लासेस के बारे में हम लोग जानेंगे। आईपी सबनेटिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, IPv4, IPv6, ये क्या है एड्रेसिंग प्रोटोकॉल से एड्रेसिंग का, ये IPv4, IPv6 दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, इस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है आपको पूछा जाता है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है सेटिंग द नीड्स ऑफ IPv6, इसका IPv6 का हमें क्यों जरूरत पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होता है IPv4 में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टेट द नीड्स फॉर प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, HTTP, जिस HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, FTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, और टेलनेट क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोग यूनिट 5 में जानेंगे। मेनली इसका क्या होता है काम, एड्रेसिंग करना, हम लोग किसी नेटवर्क को, कोई भी नोड्स हमारा सही डेस्टिनेशन पे जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, एड्रेसिंग करेंगे ताकि हमारा सिस्टम जो है सही चीज सही जगह पे ट्रांसफर करे। तो आपके पूरे सिलेबस का डिस्कशन हो गया है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसे इसे देख लीजिए, इसे समझिए कि कैसे कैसे हमें क्या